हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी सुबह सुबह का समय हो रहा था, सुबह का 9 बज रहे हैं। अब मैं बेटी को स्कूल जाने के लिए मैं तैयार करते रही हूँ, क्योंकि जब ये बच्चों को देखती है ना स्कूल जाने के लिए, तब इसको याद लगता है कि मुझे भी स्कूल जाना है। फिर दौड़ते दौड़ते आएगी, फिर बोलेगी जल्दी मम्मी तैयार कर दो, देरी हो रहा है। तो बहुत जोर से मुझे तो हंसी आती है इसके बाद सुन के। पहले से पता नहीं कहाँ कहाँ खेलते रहेगी, फिर जब स्कूल का समय हो जाएगा फिर वो दौड़ते दौड़ते आएगी। अरे जहाँ देखिए, उसके पापा भी कितना हंस रहे हैं, बोले जल्दी तैयार हो, चलो हम पहुँचा देंगे। फिर वो स्कूल छोड़ के आते हैं, मैं तैयार कर देती हूँ। फिर सामने ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारे घर से तो दिख ही जाता है। अकेले भी आ जा सकते हैं बेटी, इसलिए हम लोग भेज देते हैं। अभी तो बहुत छोटी है, सिर्फ 2-2.5 साल की है ये है। फिर देखिए, सब काम ख़त्म करने के बाद, बेटी को स्कूल भेजने के बाद, मैं यहाँ पर अपना काम में लग गई हूँ। आजकल तो मेरा काम है बादाम तोड़ना, और मैं पूरे 3-4 दिन से तो लगातार बादाम ही तोड़े जा रही हूँ। सुबह जल्दी पल्दी अपना काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर बादाम तोड़ने बैठ जाती हूँ। क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से, 1-2 सप्ताह तो हो ही गया होगा। फिर मैंने आज फिर से कैमरा उठा लिया है, और आज हमारा घर में बर्थडे भी है ना, हमारी बड़ी बेटी का बर्थडे है। और देखिए, मेरी बेटी काम करा दे रही है, वो भी बादाम तोड़ दे रही है। स्कूल गई थी, स्कूल में मुश्किल से आधा घंटा थी। फिर रोते रोते घर, मम्मी के पास जाना है इसको, इसकी मम्मी भाग जाती है। और देखिए, मैं वीडियो बना रही थी तो उसको लगा कि नानी फ़ोन उनकी होगी, दिखा रही है इसलिए देखने के लिए आ रही थी। और देखिए, अभी लगभग 3 बज गया होगा, 3 बजे का समय हो रहा होगा, और मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ और कपड़ा चेंज कर ली हूँ, क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी में काम करो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए सब तो करना ज़रूरी है। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सब? इतना दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ, पर क्या ठीक रहूँगी। ये देखिए, सब दिवाली का तैयारी कर रहे हैं और मैं इन सब में लगी हुई हूँ। हमारा मूँगफली पता नहीं कब ख़त्म होगा, इतना सारा हमने तोड़ लिया है, इटा पे तोड़ तोड़ कर रखना है, बैठने वाला भी मैं रख ली हूँ, और इतना सारा अभी तोड़ना है, आज और कल तो लग ही जाएगा। अभी मैं बादाम ही तोड़ रही थी, फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई, कपड़ा वपड़ा चेंज की, फिर कुछ बना रही हूँ, ये दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बना रही हूँ खाने के लिए। ये देखिए, ये है दूध, ये वो वाला दूध है, जब गाय भी आती है ना तो 1-2 दिन हो रहता है, वही वाला दूध है। जैसे हम पूजा भी नहीं करते, 21 दिन के बाद ही दूध का पूजा होता है, फिर इसका मैं बना रही हूँ पौधे। हम तो कोदाइल करते हैं, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, आप लोग देख के बता दीजिएगा क्या करते हैं, मैं अभी बनने के बाद दिखाऊंगी इसे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या बोला जाता है। मैं लाइट अपने हाथ पे पकड़ के रखी हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। इसमें हम अभी डालेंगे गुड़, फिर इसे बनने के लिए छोड़ देंगे, धीमे आँच में बनते रहेंगे, कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा इसके बनने तक। फिर हम जाएंगे बादाम तोड़ने, अभी हमारा तो डिप्टी लगा है ना, गवर्नमेंट डिप्टी, क्या कहते हैं, सरकारी डिप्टी लगा हुआ है। ये सब ख़त्म करके फिर आज तो ख़त्म नहीं होगा, कल तक लग ही जाएगा, फिर दिवाली का भी मुझे तैयारी करना है, क्योंकि दिवाली का तैयारी करना तो ज़रूरी ना, इंडिया का इतना बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा और दिवाली, सोचिए दिवाली पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा। चलिए
जल्दी जल्दी से धाम लौटते हैं क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है ना। आज हमारा बड़ी बेटी का बर्थडे है, मतलब मेरे हस्बैंड का भैया भाभी का बेटी का बर्थडे है। ये हमारा घर है और उनका ये वाला घर है, वे पुराने घर पे ही रहते हैं, तो ये घर से ये घर जाना है। तो चलिए अभी के लिए बाय। तो देखिए अभी हम पूजा करने के लिए आए थे, हमारा घर के बगल में ही पूजा है, मतलब हमारा आंगन में ही पूजा है, करती हूँ सॉरी, मंदिर है वहीं पर हम पूजा करने गए, क्योंकि बर्थडे तो साल में एक बार आता है तो पूजा करना तो बनता है, हर बच्चे पूजा तो करते ही है अपना बर्थडे में। ये भी कर ली है, सुबह से स्कूल गई हुई थी, अभी लौटी है, करीब अभी 3 का टाइम हो रहा है, 3 बज गया है और अभी पूजा कर रही है। सुबह से कुछ खाए भी नहीं है पूजा करने का चक्कर में, मैं बोल रही थी खा लेती फिर पूजा कर लेती, क्या होता, खाने के बाद भी तो पूजा किया जाता है, फिर बोल रही थी कि इतना बर्थडे है और हम खा के पूजा करेंगे नहीं। और देखिए अभी शाम हो गया है, घर उड़ाने के बाद सब अपना काम में लगे हैं, ये मेरी बेटी और वो मेरी सासू माँ है, और वो पुआल खींच रहा था, वो हमारा बेटा है, मतलब उसका बर्थडे है, उसी का भैया है। और देखिए हमारा गोदैल, मैं बनने के लिए बना ली, फिर मैं आप लोगों को दिखाने भूल गई, तो मैं अभी दिखा दे रही हूँ। और देखिए हम बर्थडे के लिए आ गए थे, शाम हो गया था, अभी शाम क्या रात ही हो गया है पूरा, और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और बर्थडे का पूरा तैयारी हो चुका है। ये देखिए ठंड भी लग रही है, तो किसी कोई कोई आग भी जला लिया था, लेकिन क्योंकि ठंड से तो बचना ही है ना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा केक कट चुका है, हमारे छोटिया रानी के काट दी है और सबको खिला भी दी। तो चलिए आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी तक हमारा पार्टी का अपना रात तक चलेगा तो हमें भी पता नहीं, और हम तो घर की बहुएं हैं, हमें तो काम भी करना है अभी, इसलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और कमेंट करना तो आप भूले ही मत, क्योंकि आपका ये कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ।